मेरे भाइयों से दस फुटी हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मैं एक थोड़ा सा आपको गाइडलाइन माननीय प्राइम मिनिस्टर इंडिया से थोड़ा सा हमें जागरूक होने के लिए निर्देश दिए थे, उसका पालन हमारे भारतवासी जरूर से जरूर करें। और जो हमारे हित के लिए उन्होंने आगे हमें गाइडलाइन दी है माननीय प्राइम मिनिस्टर इंडिया, उनके कहने से हमारा देश बचाओ हो सकता है। अगर हम इस कानून का उल्लंघन करें तो हम हिंदुस्तान वासी कभी भी सफल नहीं हो सकते। हम परिवार से भी जुदा हो सकते हैं। यही कहना मेरा भारतवासियों से मैं नमन करता हूं कि अपने परिवार और खुद भी बचे, परिवार को बचाए। हमारे देश में मूल रूप से जो भी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से किया गया है वो उसका पालन अवश्य करें। और मैं भारतवासियों को ये कहना चाहता हूं कि जो भी वायरस तो हर किस्म के होते हैं, ये जो पहला वायरस है कई सालों से होता आ रहा है। हमने पहले भी सुना है इस बीमारी से पूरे के पूरे देश तबाही हो गए थे। जो कोई बचा उसके बावजूद ये बीमारी आज तक फिर दोबारा हमारे समक्ष आ रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए और 2 मीटर की दूरी से किसी से भी बात करना हो 2 मीटर की दूरी से बात करें। आवश्यक जो भी वस्तुएं आपके घरों में कमियां पड़ती है उसके लिए आप जा सकते हैं दुकानों से, और कहीं भी कोई भी चीज या पैसा खत्म है बैंक में भी जा सकते हैं, और जो भी आपका चीज के कमियां है वो आप जो है जो भी अधिकारियां होते हमारे जो भी है नायब तहसीलदार टापरी पुलिस थाना टापरी उनसे संपर्क करें। और हमारा एक किन्नौर वासियों को ये कहना चाहता हूं, इस बार हमारा मेला आता है विशु मेला हर गांव में होता है, और इससे सबसे पहले सावधानी कठे ना हो जाए। एक साल के लिए अगर विशु भी ना मनाया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो बीमारियां है बहुत सख्त है। इस बीमारी से लोग पर पूरा प्रभावित हो सकते हैं। ये बीमारी पहले भी हमारा एक किन्नौर में कहते थे मरी और हेजा, और जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी थी, पर हम उस नाम से बोलते थे या मरी या हेजा या जो है इस नाम से हम सुना करते थे। तो पहले भी ऐसे हमारे देश में हुआ था, एक मरने के बाद उसको दाह संस्कार करने ले जाते थे, उतने में दूसरा मरता था। ऐसे करते 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 गांव के गांव तबाह हो गए, क्योंकि हमारे किन्नौर में हम किन्नौर वासी आपको पता है एक वायरस होता है भेड़ बकरियों में लगता है, वो भेड़ बकरी दूसरे भेड़ बकरियों में नहीं इकट्ठा करते। इस तरीके से वायरस एक ऐसी चीज है कि जो है एक दूसरे की छूत की बहुत सख्त बीमारी है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए अपने आप को जागरूक होना चाहिए। तो मेरा कहना है, धन्यवाद आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी में कोरोना जो बीमारी आया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका पालन अवश्य करें। धन्यवाद।